मोर मकान मोर आस घटक के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाते हुए किरायेदारी में रहने वाले हितग्राहियों के लिए निगम परिसर में लॉटरी निकाली गई और इन्हें आवास आवंटित किया गया। केंद्र सरकार एवं छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से चलाई जा रही प्रधानमंत्री आवास योजना के मोर मकान मोर आस घटक के तहत किरायेदारी में निवासरत परिवारों को उनके स्वयं के मकान देने की योजना है। इसी के अंतर्गत नगरपालिक निगम भिलाई में इन परिवारों द्वारा आवेदन किए गए थे, जिनकी स्क्रूटनी करने के बाद पात्र हितग्राहियों के लिए लॉटरी निकाली गई और लॉटरी के माध्यम से किरायेदारी में रहने वाले परिवारों को उनके अपने मकानों का आवंटन किया गया। मकान आवंटन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात हितग्राहियों के चेहरे पर खुशी देखते ही बन रही थी। आज मोर मकान मोर आस योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को आवास आवंटित करने के लिए लॉटरी थी। जिन लोगों के आवेदन स्वीकृति के पश्चात स्वीकृत हो गए थे लगभग 83 लोग लगभग जिनके आवेदन स्वीकृत हुए थे उनको लॉटरी पद्धति से लॉटरी निकालकर उनको आज मकान आवंटित किए गए। देखिए एक प्रक्रिया है, जो जिसके फॉर्म कंप्लीट हों, जो फॉर्म का एक उनका एक मापदंड है कि किनको एक मकान दिए जाने, वो क्राइटेरिया जब फुलफिल करता है उन्हीं फार्मों का चयन होता है जिनमें पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया। अगर प्रक्रिया में कोई कमी हो तो उसको फिर से मौका मिलता है, वो दोबारा भी उसमें भाग ले सकते। ट्राइसाइकिल के लिए वार्ड क्रमांक 10 के रविदास नगर के बुधराम जी हैं, उन्होंने ट्राइसाइकिल के लिए मांग की थी जिसको नगर निगम द्वारा तत्काल दिया जा रहा है। इस लॉटरी में कुल 85 परिवार शामिल किए गए थे, जबकि आवेदनों की संख्या 600 से अधिक थी। जिन हितग्राहियों के आवेदन निरस्त किए गए हैं वह भविष्य में दोबारा आवेदन कर सकते हैं। इस लॉटरी प्रक्रिया को संपन्न बनाने महापौर नीरज पाल, सभापति ग्रीवर बंटी साहू एवं निगम के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। इसी बीच महापौर नीरज पाल के कर कमलों द्वारा एक निशक्त को ट्राईसाइकिल भी प्रदान किया गया। इस निशक्त ने ट्राईसाइकिल के लिए आवेदन निगम में लगाया था। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।